माशाल्लाह माशाल्लाह। सुभान अल्लाह, क्या व्यू आ रहा है इस खूबसूरत और खुशगवार मौसम के साथ। इस बंदा है नाचीज का, आप सबको सलाम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। सो वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज आपके भाई ने नए अंदाज से व्लॉग स्टार्ट किया है। व्यू चेक करें आप लोग यार, फजरों का वक्त है भाई, थोड़ा लेट ऊपर आया हूँ मैं छत पे क्योंकि अंधेरा बहुत हो रहा था। जैसे ही रोशनी होना शुरू हुई है तो फिर मैं आ गया हूँ छत पे। मैंने कहा यार आज ना मैं जाग रहा होता हूँ, वैसे मैंने कहा चलो नमाज़ पढ़ते हैं फजर की और चलते हैं ऊपर जाके, छत पर जाके व्यू लेते हैं और थोड़ा व्लॉग स्टार्ट करते हैं आज कहीं से। क्योंकि दो दिन से आपके भाई ने ना व्लॉग नहीं बनाया है, क्योंकि मसला ये था यार कि कुछ मसलों में अटका हुआ था मैं, कुछ मसले मसाइल हैं कुछ इनमें लगा हूँ। दुआ करें आप लोग के भाई के मसले मसाइल जल्द से हल हो जाए, क्योंकि यार इन बहुत ही मुश्किल है आजकल ना किसी पर भरोसा करना, किसी पर ट्रस्ट करना। आप भरोसा करते हैं ट्रस्ट करते हैं, सामने वाला बंदा आपको धोखा दे लेता है। तो इस तरह के माहौल में ना, इस तरह की सिचुएशन में इंसान को फेस करना मुश्किल होता है बहुत। तो बस इस चक्कर में थोड़ा परेशान था मैं, दो दिन होगा मैंने व्लॉग नहीं बनाया। और खैर छोड़ें, वक्त आने पे आपसे लाजमी शेयर करूँगा सब बातें। वैसे जा ही रहा होता हूँ फजर तक मैं, क्योंकि रात को एडिटिंग करने का बैठता हूँ ना तो मुझे लाजमी 3:30, 4:30 हो जाते हैं। फिर मैं बोलता हूँ आधे घंटा और जागो भाई, नमाज़ पढ़ के सो जाएंगे, क्योंकि नमाज़ तो मिस कर सकते नहीं ना फजर की, क्योंकि नमाज़ नींद से बहुत बेहतर है। इसलिए भाई नमाज़ सबको चाहिए यार, अल्लाह पाक सबको तौफीक दे, ख़ास कर फजर की नमाज़ में। इतना पुरसकून माहौल है इस टाइम, देखें आप लोग इतना प्यारा व्यू है और इतना अच्छा लग रहा है ना, मैं आपको क्या बताऊँ यार। बिलीव करें आप लोग, मैं आपको इतना खूबसूरत मौसम हो रहा है और इतना सुकून मिलता है ना इस टाइम पे फजर के वक्त, खासकर इस टाइम पे आके ना। देखिए आप, चिड़िया बोल रही है, कोयल बोल रही है, कौवे बोल रहे हैं, चील बोल रही है, मुर्गे अजान दे रहे हैं, कितना अच्छा लगता है। ऊपर देखें आप लोग सारे परिंदे भी आसमान में सैर कर रहे हैं। और हम लोगों को ना ये फजर का वक्त नसीब ही नहीं होता है, इतनी प्यारी मतलब अलग ही खुशबू होती है फजर की ना, और सांस लेने में मज़ा आता है। दिल चाहता मेरा कि बाहर जाऊँ मैं, बाहर जाकर व्लॉगिंग स्टार्ट करूँ, बट यार आपको पता आजकल के माहौल का चल रहा है, स्नैचिंग वगैरह का डर लगता है, मैं अकेला हूँ, कोई है भी नहीं साथ मेरे। तो इसलिए बंदा घर में रह के एहतियात करे भाई, घर में व्लॉग बना ले बेहतर है। वरना मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं भी बाहर जाऊँ, थोड़ा वॉक वगैरह करूँ, वर्कआउट करूँ, बहुत दिल चाह रहा था बिलीव करें, लेकिन ना चाह रहा होता भी है लेकिन मैं जा नहीं पा रहा हूँ चाह की भी, क्योंकि स्नैचिंग वगैरह इतनी बढ़ चुकी है ना। अभी थोड़ा टाइम, दो दिन पहले की बात है, सामने रोड से ना एंटी का वॉलेट छीन के ले गए, एक दो वाक और हो चुके हैं। खैर छोड़ें भाई, अल्लाह मालिक है, इस पर बात करना भी सही नहीं है। आपसे मैंने शेयर कर दी है भाई क्या वजह है, दो दिन से ब्लॉक नहीं आया जी। अब चलते हैं, इनको कौवों वगैरह को पानी देते हैं, खाली पड़ा है बर्तन इनका, पानी वगैरह देते हैं इनको। चले भाई, बर्तन यहाँ रखा हुआ है उनका और ये मेरे हाथ में मग्गा लेके आया तो ऊपर में ये खा ड्रम, यहाँ पे पानी निकालते हैं इससे। भाई हमारी छत जो है ना चारों तरफ से ओपन है, देख रहे होंगे आप लोग, देखें बर्तन साफ ही है ऐसे ना, सब देख रहे होंगे चारों तरफ ना छत हमारी ओपन है ये। बट खैर है, हम लोग तो आते नहीं छत पे का यूज़ करते नहीं छत ना। मैं आपको एक ना उस तरफ का व्यू थोड़ा दिखाता हूँ, उस साइड का वहाँ क्या है। पहले पानी देते हैं इन लोगों को, बेचारों को याद है। अभी आपको दिखाऊंगा पानी पीने कैसे आएंगे, क्या बात है। ओ बाहर आ गया हर भाई। अच्छा ये देखें, ये आप सामने देख रहे हैं ना, ये कैंप टाइप को बना हुआ है, सब आर्मी का एरिया है, ये सब आर्मी का एरिया है, ये सब देखें। हमारा घर जो है क्लिफ्टन से बहुत करीब है, इसलिए वायकन टावर दिख रहा है सामने आप लोगों को, देखें सामने। और ये सामने जो टंकीस वगैरह हैं ऑयल वगैरह की।
नाश्ता लग चुका है हमारा। नाश्ते में आज चिकन कढ़ाई, पराठा और चाय। नाश्ता करते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं। सो भाई नाश्ता हमारा हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज ही पढ़ ली हमने। अब बड़े मामू आ गए हैं, मामू को छोड़ना है स्टॉप तक। बाइक चलानी सीखी उन्होंने आज तक, नई गाड़ी चलानी सीखी, गाड़ी चलाना सीख रहे थे बट चलाई नहीं उन्होंने। बाइक चलाना सिखाई दो तीन मरतबा, बाइक खरीद ली उन्होंने, खड़ी है घर बाइक, बस चलाते नहीं है। हमारे मामू जो है ना पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा शरीफ हैं मेरी नज़र में। तीनों मामू हैं, तीनों के तीनों शरीफ हैं, एक भी नहीं। खैर अभी बस जाना है मामू को छोड़ना है स्टॉप पे, फिर वहाँ से जाना है दूध लेने, दूध लेंगे फिर हम करेंगे। चलो चलते हैं। बहुत अच्छे भाई, आज आधे के दो है भाई, ऐसा बाइक पे फटेगी तो नहीं ना भाई। प्राइस बहुत होता है भाई यहाँ पे, दो आधे किलो। ओ भाई भाई मुझे तो दे दे पहले। तो फाइनली मैं दूध मिल गया, अब चलते हैं फटाफट घर। A few moments later. तो भाई सारी घड़ियाँ हुई ख़त्म, मैच स्टार्ट हो चुका है। पाकिस्तान टॉस जीत गया है और पाकिस्तान ने फील्डिंग का फैसला करा है। लेट्स सी क्या होता है, पाकिस्तान व अफगानिस्तान मैच है, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। बैट्समैन आ गए हैं भाई बैटिंग पे, फील्डर आ गए हैं फील्डिंग पे, जब तक घर में तो मैच देख लेते हैं। जब आप मैच को नहीं देगा आज इंशाल्लाह पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की जो बॉलिंग है, जो अंडरस्टैंडिंग है, बहुत अच्छा खेल रहा है, कोई चेंजिंग नहीं की, वही खिलाड़ी है, बच गया आउट है, देखें क्या फैसला होता है। पता नहीं ना वैसे, बाल बाल बैठे एक लगा है नहीं, नमाज पढ़ लेते पहले, टाइम निकल नमाज का, मगरिब हो गई है, फिर कंटिन्यू करते हैं। A few moments later. ओ, नहीं है आउट नहीं है भाई, नहीं नहीं आउट नहीं होगा, बाबर वो भी आउट भाई। 130 का टारगेट है और फकर जमान ने आते ही ना एक 4 रन लगा दिए दूसरी बॉल पे। रिजवान एंड फकर खड़े हैं, बाबर साहब आउट हो गए, बाबर ने मायूस कर दिया है, मैं बाबर को पता नहीं क्या होंगे तो मैं सिवाय रहे यार। 4 रन, शादी कॉल आई हुई है, अम्मी बाबा शादी से बात कर रहे हैं वीडियो कॉल पे, शादी डरा रहा है बाबा को। A few moments later. तो आए मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट काम से आते, उन्होंने बोला मुझे लगे ही बोलते पहले खाना बिरयानी खानी है, मैंने यहाँ वो अच्छी बिरयानी मिलती है, इनको पता है मुझे नहीं पता क्या अच्छी बिरयानी मिलती है, बिरयानी खाते हैं। चलो चलते हैं भाई, भाई ऐसा ही है, देख सही कह रहा है बिल्कुल वलीद भाई, जो इनका इलाका है वो खुद नहीं पता कि यहाँ इतनी अच्छी बिरयानी मिलती है, लेकिन हमें पता है क्योंकि हम खाने की मोहब्बत सिर्फ खाने की मोहब्बत नहीं और लोगों से भी करते हैं। देखते हैं भाई कैसी बिरयानी आती है, कैसे टेस्ट है, खाते हैं बताते हैं आपको। नहीं आ गई रायता वायता मंगा लेते, साइड मंगा लेते, चिकन का बिरयानी में बिरयानी खाते हैं। आशिफ भाई ने गलत जगह बैठे गए थे, वो प्रॉपर में था बिरयानी वाला, आशिफ भैया आगे बैठेगा बोलो भाई, डिस्प्ले के चक्कर में आ गए, डिस्प्ले के चक्कर में, हालांकि मैंने उनको बोला बराबर बोला मुनाफ, लेकिन ये भी ठीक है कोई बात नहीं। काजी भाई बिरयानी वापस कर दिए और वहाँ से मंगाइए, काशिफ भाई बिरयानी वहाँ से मंगाइए, ऐसा बोलने की कोशिश हो रही है, बोलो बोलो लड़ाई हो रही है। खाते पीते बंदा साथ हो ना आपके, मजबूर है तो कितने बिरयानी खाई है तो यार अभी बिरयानी खाई है, अब उन्होंने कहा कल पकाने आए पर लिया है मुझे, डायरेक्ट लोग बनाते हो अब ठीक है। अब जाना है मॉल, जो काम वो करते हैं, जो बात करनी है वो करते हैं, फिर घर चलते हैं। वाह A few moments later. ओह पूरे एटीएम बाहर खड़ा हुआ है, मैच देख रहे हैं यहाँ सब रोश लगा खड़े हुए थे, पुलिस आगे पीछे से बाबर से 150 रुपया लेना लाजमी। रुक
तो यार देख तो लो फिर हंसने में मजा आएगा। और क्या है मार दिया उन्होंने बंद कर दिया दो तो हुआ 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 नीचे बैठो नीचे बैठो सो हम लोग घर आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह पाकिस्तान आज भी जीत गया है माशाल्लाह से। और इसी के साथ ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, ब्लॉग ज़्यादा लंबा करेंगे नहीं आज क्योंकि मैंने आज ही ब्लॉग एडिट भी करना है और आज ही अपलोड करना है। रात तक 10:35 हो रहे हैं, 12 बजे तक रात में मैंने ब्लॉग अपलोड करना है। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। उम्मीद है आप सबको आज के ब्लॉग पसंद आया होगा। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय।